बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करेंगे 5 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4। बी के सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। एमसीक्यूज में पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा आपको जो आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन जिन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, वो ये नहीं आएंगे। ये हम करेंगे, ये हमारे पास अल्टरनेट में नल हाइपोथेसिस दे दिए गए हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया गया है, और इससे पहले हम x1 बार एंड x2 बार ही फाइंड करेंगे। x1 बार आएगा हमारे पास सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1, और x1 बार इज इक्वल टू सिग्मा x1 हमारे पास है 678.5 डिवाइड बाई n1, जो कि हमारे पास 5 है। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सामने ही लिख देंगे। मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 678.5 डिवाइड बाई 5, ये मेरे पास आ रहा 35.7। मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ राइट साइड पे आ जाता हूँ, x1 बार आ गया 135.7। अब इसी तरह x2 बार, इसी प्रोसीजर से आपने पहले फार्मूला लिखना है, फिर अप्लाई करना है, फिर वैल्यू लिखनी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँगा 971.6 डिवाइड बाई n2, जो कि हमारे पास है 7। ये आ रहा है हमारे पास 138.8। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से x1 माइनस x1 बार, यहाँ बार नहीं आपने डालना, प्लस इसका स्क्वायर x2 माइनस x2 बार, स्मॉल वाले आपने लिखने, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व दिए गए हैं, स्मॉल वाले दिए गए हैं, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन की यहाँ वैल्यू तो आपने लिख देनी है, ये आएंगे आपके पास 562.3 प्लस 308.6 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। 5 में 7 प्लस करेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे, आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। आपने जो वो सारा लिख कर फिर नेक्स्ट प्रोसेस में सिर्फ आंसर ही निकाल देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ 5, यहाँ आ जाते 562.3 प्लस 308.5 फिर डिवाइड करना, प्रेस करना डिवाइड वाला बटन, फिर प्रेस करेंगे 10 पर, यह आएगा आपके पास 87.09। ठीक है, 3 डिजिट तक मेरे पास फिक्स हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने फिक्स नहीं किया हुआ तो क्या करना है, 12.2 एक्सरसाइज देखने, इसका थर्ड का ये पार्ट। इसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया अपने कैलकुलेटर को किस तरह फिक्स करना है। 87.090 आ गया, सॉरी ये अभी ज़ीरो नहीं आया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डिवाइड किया है। अब हमने इसी का लेना था स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ये आ गया 9.332। आपने इस वाले प्रोसेस के बाद डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख देना है, पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आ जाना है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। उससे पहले न्यू n1 प्लस n2 माइनस 2, यह आ जाएगा 10। ठीक है, ये 10 होने के बाद अब हमने फाइंड करनी क्रिटिकल वैल्यू। उससे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया इसने 0.05। ये आपने इसे डिवाइड करने का आएगी आपके पास α/2.025, दूसरी आएगी 1 माइनस α/2 जो आएगी 0.975। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, बोलिए आपके पास आ जाएगी 0.975। अब आपने आ जाना यहाँ नेक्स्ट हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है।
क्रिटिकल वैल्यू इस तरह से आएगी टी न्यू सेमी कोलन एल्फा व टू इज इक्वल टू टी न्यू न्यू हमारे पास 10 है, एल्फा व 2.025 है। अब आपने क्या करना है, 0.025 रो में देखना है और 10 वाले सॉरी 0.025 वाले कॉलम में और 10 वाली रो में आपको वैल्यू मिलेगी। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी अल्फा व टू, यहाँ आपने वो वैल्यू लिख दी। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए टी न्यू सेमी कोलन 1 माइनस अल्फा व टू इज इक्वल टू टी 10, ये आ जाएगी आपके पास 0.975। अब ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है यहाँ इसके सामने। अब आ जाते हैं हम इस इन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं अपनी बुक से। ये आपके पास इस तरह से 0.975 की रो में देख लेता हूँ मैं और 10 की रो में, यार ये 2.228 आ रही मेरे पास ये वाली वैल्यू 28। इसी के साथ आपने ये वाली यही वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास -2.228। ये आपने अलग से फाइंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ चैनल के न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करें, कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार किया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में यही लिखेंगे टी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज, ठीक है। फिर डिसीजन रूल बनाएंगे, डिसीजन रूल में भी यही कुछ लिखना है, इफ टी लाइज बिटवीन -2.228 एंड 2.228 वी शैल रिजेक्ट ईच नोट, वी शैल रिजेक्ट ईच नोट अदरवाइज। हम यहाँ जो पूरी स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखनी है, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। इसी के साथ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपने क्या करना है, ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जर्व वैल्यू लिखेंगे यहाँ ऊपर, आपने ज़रा हाईलाइट पेंसिल से लिखना है ऑब्जर्व वैल्यू। टी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, आपको पता है जब टू टेल टेस्ट हो तो कभी भी एक्स टू बार पहले नहीं आएगा। पूल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड इनटू 1/n1+1/n2, ये फार्मूलाज हैं 4-5, आपने लाजमी याद कर लेने हैं। एक्स वन बार का देखते हैं अब हमारे पास क्या था, एक्स वन बार आया था 135.7 माइनस एक्स टू बार था हमारे पास 138.8 माइनस 0, क्योंकि इनका डिफरेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 आएगा। पूर्ण स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देख लेते हैं 9.332 इंटू 1/n1 हमारे पास 5 है प्लस 1/n2 जो कि 7 है। अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है, यहाँ आप इस तरह से पुट करेंगे, ये देख लेना ज़रा गौर से, 135.7 माइनस 138.8। अब प्रेस एंटर करेंगे फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, यहाँ पूल स्टैंडर्ड डेविएशन 9.332 लिखेंगे, फिर आपने प्रेस करना है स्क्वायर रूट फिर इनटू एंड 1/n1 5 है प्लस 1/7, ठीक है। ये आपने लिखे हैं ये इनटू ओप कर देनी है फिर प्रेस एंटर करना है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है -0.567, ठीक है। अगर आप करेक्ट लिखेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है और सिर्फ आपको दिखाने की वजह से -0.576। ये टी की वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे कंक्लूजन, अब सारा प्रोसेस जो किया है उसका नतीजा हमारे पास क्या आया, टी इज इक्वल टू -0.567। क्या ये लेस देन है, हमने डिसीजन रूल को देखना, पीछे डिसीजन रूल में हमने क्या लिखा था,
-2.228 क्या, या ये ग्रेटर देन या 2.228। अब देखें माइनस का 0.576 क्या इससे लेस है? नहीं, क्योंकि जब माइनस की बात आ जाए सबसे बड़ा ये वाला बड़ा है तो छोटा हो जाता है, ठीक है। और माइनस वाला कभी भी प्लस वाले से बड़ा नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। हम लिखेंगे t इज इक्वल टू -0.567, यहाँ माइनस लिखना है, ठीक है। विच इज़ ग्रेटर देन -2.228 एंड लेस देन 2.228, ठीक है। ये लिखने के बाद लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट ईच नोट, या ये भी लिख सकते हैं वी डू नॉट रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ ईच वन या अगेंस्ट फेवर वन अगेंस्ट ईच वन। इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।